देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन पूछा था किसका, आवाज आवाज का पर्यायवाची क्या होगा, क्या होगा? वाणी। नगाड़ा नहीं होगा, अनादर नहीं होगा, नंदिनी नहीं होगा। तालाब का भी पूछा है, क्या पूछा है? तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? पोखर। मिलाते चलिए अपने क्वेश्चन अन्न, ठीक है? एक शब्द और आया है, तीसरा क्वेश्चन है अनुकूल, क्या है अनुकूल का क्या होगा? क्या पूछा है? विलोम। क्या पूछा है? तो क्या होगा उसका? प्रतिकूल। एक शब्द है प्रहार, चौथा प्रहार का क्या पूछा है? तो विलोम होगा क्या? रक्षा। अगला क्वेश्चन है पांचवा। अच्छा, आत्मघात। आत्मघात का क्या है? विलोम। क्या होगा? आत्म विश्वास। पर क्या आए होंगे सही? अरे बहुत बढ़िया। छठवां, प्रवाल और क्या पूछा है इसका? शब्द युग में पूछे हैं, क्या पूछे हैं? शब्द युग में क्या होंगे बताओ? दीवार और पन्ना क्या होगा? परिवार का अर्थ होता है पन्ना, ठीक है? प्रवाल होती है दीवार, और वस्त्र मुंगा ये अलग ही होते हैं ना। दीवार पन्ना नहीं होगा, मुंगा और वस्त्र होगा। क्या होगा? मुंगा वस्त्र, मुंगा वस्त्र। सही कर लेना उसको काट के, है ना? परिवार का अर्थ होगा वस्त्र। हाँ, एक शब्द आया है आसन और आसन, सातवां क्वेश्चन है। आसन व आसन है, मुंगा एक मोती होते, ठीक है? मोती का नाम है मुंगा। क्या होगा भाई आसन का? बैठक होगा ना, और संकट। आसन्न का अर्थ क्या होता है? संकट। उसके बाद है आठवां, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं, वाक्य है, मिश्र वाक्य है। क्यों? जैसे और वैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ, तो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य है। अगला है वाक्य है जितना कमाओगे उतना, कौन सा वाक्य है? जितना कमाओगे उतना कहोगे, मिश्र वाक्य है। जितना और उतना आ रहा है, यानी एक शब्दों को जोड़ रहा है आपस में, ठीक है? दो दो वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। दशमा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं बताओ भाई? आशीर्वाद सही है क्या? अच्छा, अत्यधिक और अनाधिकार सही है क्या? अनाधिकार अनाधिकार है का अंधिकार है? हाँ, तो क्या होगा? अत्य देखे, क्या होगा? अत्य देखे और अंधिकार मिला लेना, ठीक है? कितने क्वेश्चन निकलते हैं सही। उसके बाद देखो दूसरा है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं?
देखो भाई, पशु सही है क्या? साधु परीक्षा, साधु सही है लेकिन पशु गलत है, परीक्षा गलत है और बीमारी भी गलत है। शून्य सही है क्या? क्योंकि किसकी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की। और सूर्य, सूर्य सही है क्या? गलत है। बड़े ऊ की क्या आएगी? ठीक है। उसके बाद प्राप्ति सही है क्या? ठीक। उसके बाद पुष्टि, तो क्या होगा? प्राप्ति और क्या होगा? पुष्टि। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य है अशुद्ध पूछा है? क्या पूछा है? अशुद्ध। देखो अभी पुराने वेच में करा दिए है ना, तो उसे वहां नौकरी पा गई, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू, वह 10 वर्ष तक पढ़ता। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? सही है ना? हाँ, तो पहला भी गलत होगा। उसे वहां नौकरी मिल गई होता, क्या होगा? मिल गई, ठीक है। तो ये क्या होगा? उसे वहां नौकरी पा गई, उसे वहां नौकरी पा गई, ठीक है। ये वाक्य क्या है? गलत है। अगला देखो, चार अतिथि आ गए, ये तो कल परसों ही करा रहे, ठीक है। चार अतिथि आ गए, उसको जलपान करना है, उसको जलपान कराना है, वाक्य में किस तरह की अशुद्धि बताओ? वचन संबंधी। कौन सी संबंधी? वचन संबंधी, ठीक है। उदाहरण ही उठ के दे दिया। निम्न विकल्प में से मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, बताओ भाई। टीम ताम करना, मुकाबला करना, पैंदे के बल बैठना, पराभव मनाना, मानना। तीसरा है छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का। सही है क्या? ठीक है। तो गलत छाटना है, बताओ। तो टीम ताम करना, मुकाबला करना, सही। हाँ, ये सही है। इसमें टीम ताम करना क्या होगा? मुकाबला। हाँ, अगला देखो, बिल्ली के गले में घंटी बांधना लोकोक्ति का अर्थ है, कठिन काम संपन्न करना, क्या होगा? 15 में का आंसर, कठिन काम, कठिन कार्य कर लो या काम, ठीक है, कठिन कार्य या काम संपन्न करना। अगला देखो, चिराग, हाँ, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, अपनी बुराई नहीं दिखाना, नहीं दिखना, ठीक है, अर्थ है, सही है। देख लो, अपनी बुराई नहीं दिखना। 16वां, अपनी बुराई नहीं दिखना, ये वो है तो छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है, उसमें देखना मिसप्रिंट हो गया। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या करना? धन जोड़ने में लगे रहना, कौन सा होगा? धन जोड़ने में लगे रहना। अगला देखो भाई, शरत धन चंद्र करा दिया है, देख लो, करा दिया क्या? सबको कराया है, नए बैच में भी करा दिया, ना कराया होगा तो क्या होगा? कौन सा होगा? है शरत चंद्र होगा, सी। हाँ, तीसरे चय का आगम होगा। अरे चा आ जाता है, तुमने बताया था क्या? हाँ, वो अलग है, वो नियम अलग है,
तुमने वो नियम फॉलो किया कि उसका तय का क्या हो जाता है दय, और चय का चय, वो चय का आगम नहीं किया उसमें, शरत चंद्र लिख दिया तुम लोगों ने, ठीक है। अगला देखो, निम्न में कौन सा विकल्प गुण संधि का ठीक उदाहरण नहीं है, बताओ भाई। बधु धन उल्लास डी, कौन सा होगा? कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी या बड़ी? बधु में। अच्छा अगला देखो, निम्न में से सही संधि विच्छेद युक्त विकल्प नहीं है, कौन सा है? ए। कौन सा विकल्प सही है? ए। बीसवां क्वेश्चन, दश प्लस सब क्या बनेगा इसका? ठीक है। उसके बाद देखो इक्कीसवां, जिस सामासिक पद, सुन लो सभी, जिस सामासिक पद में पूर्व पद, उत्तर पद, गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा, यानी तीसरा पद प्रधान होगा वहां पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। उसके बाद देखो बाईसवां क्वेश्चन, अनुरूप शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययवाचक होगा, क्योंकि अन क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग, इसलिए क्या होगा? अनुरूप। अनुरूप है क्या? अनुरूप है, हाँ। अनुरूप का कौन सा शब्द भू होगा? अव्ययभाव समास, अव्यय। देखो अगला, मृगनयन शब्द में, मृगनयन शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। क्यों होगा? मृग के समान है जिसकी आंखें या नयन, ठीक है, मृग रूपी नयन। अगला देखो, इनमें से ये प्रत्यय के वाचक शब्दों का सही जोड़ा है, बताओ भाई। गांगे है जागो का, दैत्य है जागो, अरे है को जागो का, अच्छा सौमित्र हो जागो, तो ठीक है मैत्र हो जागो, ठीक कांति कौन ते है जागो, और गांगे है ये, ठीक है। तो कौन सा होगा? कौन सा क्वेश्चन है चौबीसवां, क्या होगा? मैत्र गांगे और क्या होगा? कौनती, ठीक है। अगला देखो पच्चीसवां क्वेश्चन, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताओ भाई। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग है? वक्तव्य में हुआ है। कौन से में हुआ है? वक्तव्य में, यानी ऑप्शन सी, क्या होगा? वक्तव्य। उसके बाद देखो छब्बीसवां क्वेश्चन, निम्न में से रहित अर्थ से युक्त उपसर्ग है, कौन सा होगा? रहित उपसर्ग है, कौन सा होगा? अच्छा और कोई, अच्छा और कोई बताओ, अरे अन होगा, क्या होगा? अन, क्या होगा? अन। अगला देखो, निम्न में सु उपसर्ग युक्त उदाहरण नहीं है, बताओ भाई। सत्ताईसवां क्वेश्चन, सुयोग है जागो का, सुगढ़ सुमित है जाएंगे ना, और स्वार्थ नहीं होगा, क्या नहीं होगा? स्वार्थ। सुधन अर्थ होगा, ठीक है ये नहीं होगा, स्वधन अर्थ होगा, क्या होगा? स्वधन अर्थ, स्वधन अर्थ। देख लो संधि करके, यहाँ छोटा है यहाँ, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो शब्द का वन क्या होगा? तो इसलिए इसमें उपसर्ग वो, हाँ उपसर्ग नहीं होगा। देख ले तू धन ना, समझ में आई?
आ प्लस आ करेगा तो बड़ो नहीं है वो का, और बड़ो होगा तो कहाँ पे जावे वो वीर में। अच्छा, रंगमंच का पर्दा कहलाता है। अच्छा ये तो, वह नायिका जिसके पति विदेश जाने को हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाओ। पुराने वाले तुम्हारे लिए तो करा दिया है। अच्छा आगत पत्रिका होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा परिपक्वता होगा क्या? अरे प्रोषित पत्रिका होगा क्या? तो बी ऑप्शन सही है क्या? तो लिख दो। चलो उनतीस में देख लो भाई, रंगमंच का पर्दा कहलाता है, क्या कहलाएगा? अरे यवनिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यवनिका। ठीक है उस, हाँ हाँ यवनिका जो पर्दा है ना, बैनर लगा हुआ है ना, ये पर्दा ही करेगा, इसके पीछे क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? तो वही है यवनिका। अगला देखो, मरने की इच्छा कहलाती है, क्या कहलाती है? अच्छा और कोई बताओ, मुर्मूषा कहलाएगी, क्या कहलाएगी? मुर्मूषा। कौन से सकार आएगा? दंत सकार। अच्छा कितने किन के सही है, कितने क्वेश्चन निकले हैं? आठ गलत और क्वेश्चन के तो दो ही गलत निकले होंगे। कैसे देख लो भाई, हिंदी के क्वेश्चन के तुम्हारे कितने सही निकले हैं? कितने? आईस पूजा गलत है मेरे। ओ बेटा